बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और इसको लेकर खुश हुआ है पाकिस्तान। ये चौंकाने वाली खबर है। पाकिस्तानी पीएम ने मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखा है। बांग्लादेश एक मुस्लिम भाई, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ शेख हसीना के जाते ही गदगद हो गए हैं शहबाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। इंडियन मीडिया इस वक्त बौखलाहट का शिकार है क्योंकि पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनस, जो बांग्लादेश के इंटरिम चीफ एडवाइज़र हैं, वजीर आजम के तौर पर काम कर रहे हैं और बुरी हुकूमत के सरबराह हैं, उनको चिट्ठी लिखी है, उनको मुबारकबाद दी है, खुशी का इजहार किया है क्योंकि दोनों कौमें बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं। पाकिस्तानी भी करते हैं और बांग्लादेशी भी करते हैं। मैंने एक पब्लिक रिएक्शन लिया, लोगों से पूछा तो वो आपने वीडियो भी देखी होगी, उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि जो एक पपट हुकूमत थी जो शेख हसीना की जिसको कहते थे, वो लोग कह रहे थे कि ये मोदी के बहुत करीब थी, इंडिया के बहुत करीब थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। अब हुकूमत तो गिर चुकी है, अब नई हुकूमत आई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक दूसरे के करीब आना चाहिए, ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए, यानी ये लोगों की राय है, ये लोग चाहते हैं, पाकिस्तानी भी चाहते हैं, बांग्लादेशी भी चाहते हैं। फिर देखें, अब जो पाकिस्तान भी भारत, जो पाकिस्तान के खिलाफ भी है, फिर बांग्लादेशियों के खिलाफ भी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या जो हमारी मिलिट्री है बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, इनको आपस में एक्सरसाइज ही नहीं करनी चाहिए? फौजी जिनको मशकें कहते हैं, एक्सरसाइज दोनों मुल्कों की, यानी बांग्लादेश की और पाकिस्तान की, इसके ऊपर भी आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे तो लगता है कि ताल्लुकात और अच्छे हो जाएंगे, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको और मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन ये जो वेस्ट बंगाल मीडिया है ना, इनको तो शहबाज शरीफ की वो चिट्ठी, वो मुबारकबाद डॉक्टर मोहम्मद यूनस को, वो भी अच्छी नहीं लगती भाई साहब। पता नहीं क्यों नहीं लगती, वो आप बताइएगा हमें कॉमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं जी, ये वीडियो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। 3, 2, 1 एंड क्यू। आखिर आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले जो खबर है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और इसको लेकर खुश हुआ है पाकिस्तान। ये चौंकाने वाली खबर है। पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखा है। बांग्लादेश एक मुस्लिम भाई, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ शेख हसीना के जाते ही गदगद हो गए हैं शहबाज शरीफ। ये अंदर की खबर है। मोहम्मद यूनुस को शहबाज शरीफ ने चिट्ठी लिखी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बधाई दी नई जिम्मेदारियों के लिए तो हिंदू परिवारों पर हुए हमले का भी जिक्र किया और उसे लेकर चिंता जाहिर की। और उधर पाकिस्तान को लेकर खबर यह है कि शहबाज शरीफ गदगद हो गए हैं बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई है, इसके बाद पाकिस्तान बेहद खुश है। बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार अब बनी है जिसके प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं। पाकिस्तान ने उनके पद ग्रहण करने पर बधाई दी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का एक खत है जो सामने आया है, जो उन्होंने मोहम्मद यूनुस को 12 अगस्त को लिखा था। इसमें शहबाज ने बांग्लादेश को एक भाईचारे वाला मुस्लिम देश बताया था। इसके साथ ही कहा था कि वो दक्षिण एशिया में एक भागीदार के रूप में बांग्लादेश के साथ संबंधों को महत्व देता है। देख रहे हैं आप, मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए शहबाज शरीफ ने कई और बातों का जिक्र भी कर दिया और उनकी बातों से, उस चिट्ठी से ये जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ है। जो हिंदुओं पर हमला है वो पाकिस्तान में भी होता है, हम जानते हैं। अल्पसंख्यकों को निशाना पाकिस्तान में भी बनाया जाता है और यहाँ बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन से पाकिस्तान खुश हुआ है। पाकिस्तानी पीएम ने मोहम्मद यूनुस को बाकायदा खत लिखा है। वो कह रहे हैं बांग्लादेश एक मुस्लिम भाई। शेख हसीना के जाते ही शहबाज शरीफ हो गए गदगद और फिर मोहम्मद यूनुस को खत भी लिखा है। खत भी लिखा है, चिट्ठी गई है भाई, क्यों ना जाए। हमारा मुस्लिम देश, भाई मुल्क है बांग्लादेश, और फिर हम तो ये अब उम्मीद करते हैं
कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तानियों के हमारी हुकूमत के और अच्छे ताल्लुकात होंगे और डिप्लोमेटिक पॉलिसी में चेंज आएगा। तो ये चीज़ अब भारत को अच्छी नहीं लगती। भारत तो अब उल्टा इल्ज़ाम लगाता है बांग्लादेश के ऊपर कि वहाँ तो भाई हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं। असल में वो जो असल खबर है ना, अपनी एम्बैरेसमेंट, उसको भारत छुपाना चाहता है। भारत की नाकाम जो पॉलिसी है बांग्लादेश के बारे में, वो अब उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर मिट्टी डालना चाहता है, क्योंकि शेख हसीना हुकूमत चली गई, ये भारत की नाकामी है और भारत इस नाकामी को ऊपर मिट्टी डाल रहा है और उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है बांग्लादेश के ऊपर, वो भी फेक न्यूज़ की बदौलत, फेक न्यूज़ के ऊपर बैठ कर इल्ज़ाम लगा रहा है कि हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। और भाई वो कहाँ रहे हैं? आपने तो कहा था लिटन दास के घर के ऊपर भी हमला हुआ, कहाँ हुआ है भाई? झूठी खबर थी, आपके बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने झूठी खबरें चलाई। ऐसा नहीं है, एक दो या एक इक्का दुक्का जो ये वाक्या हुआ है बांग्लादेश, उसकी बिना पर आप ऐसा नहीं कह सकते सारे हिंदू ही वहां पर अनसिक्योर हैं। ये झूठ है भाई साहब। लेकिन बात है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो ये तो ताल्लुकात मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आपको क्या लगता है व्यूवर्स, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।